टीपू सुल्तान है, आज टीपू सुल्तान रामचंद्र का पैदाइश का दिन है, तो इसके लिए जो है इन खुशी में जो है एक बैनर लगाकर फातिहाखानी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर बच्चे को जो है टीपू सुल्तान रामचंद्र जैसी तौफीक अता फरमाए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का पैदाइश का दिन है, तो इसे जो है इसको खुशियों के साथ मनाया जाएगा। इकबाल जकाती साहब जो है इत्तेहाद न्यूज के चीफ एडिटर हैं और बेचारे बेबाक बने से बोलते रहते हैं और उनकी जो है कौम की जो है तड़प और उनकी जद्दोजहद देखकर जो है हमारे उज्जवल नगर के यंग कमेटी की जानिब से इकबाल जकाती को जो है इनको गुलाए अकीदत किया जाता है। प्लीज आप तशरीफ फरमाइए। यौम टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर शरबत बना को सब सुभाष नगर के पूरे लड़कांदा मिल को सब बाट को फातिहा दिला को यौम टीपू मनाए सो। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम टीपू इधर जामा मस्जिद सर्कल पे मनाया गया। तमाम सिटी के जितने भी नौजवान हैं तमाम मिलके इस यौम टीपू को मनाया है। तमाम आशी के जो टीपू हैं आज इधर पे एक छोटा सा डेकोरेशन कर और शरबत बांट कर टीपू सुल्तान की मोहब्बत का सबूत दें सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। यौम टीपू मनाया जा रहा है खड़े बाजार में। ये आज जो यौम टीपू जो मनाया गया है वो यूथ कमेटी के तरफ से है, हमारे सिटी के पूरी यूथ कमेटी के तरफ से मनाया गया है। और इसमें जो हम जो किए हैं ना हमारे बड़ों लोगों का बहुत 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 साथ दिया है हम लोगों के लिए। तो आज हम ये मुकाम पे आए हैं तो हर जो मोहल्ले में बड़े लोग हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए कि आगे चल के बहुत कुछ काम कर सके। तो आज शुक्रिया अदा करता हूँ हम सब लोगों का, बड़े लोगों का। हज़रत टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर उनके जन्मदिन के लिए शरबत का अहतमाम किया गया है जारगर गली बॉयज़ के तरफ से। हम नाच गाना कुछ नहीं किए लेकिन ये पीसफुली किए। डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से हमारे को सब कोऑपरेट करें। इवत्तु नम्म हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अवर जन्मदिन नम्म खुशियन्नु इज़हार माडुत्तिद्देवे। आद कारण जालगार गली भी गली नम्म प्रोग्रामन्नु डिपार्टमेंट अवरु बंदु नमगे प्रोत्साह कोट्टरु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो फंक्शन पैदाइश दिन के अंदर जो फंक्शन किया गया है, मैं तमाम फोरोड के यंग कमिटीज़ को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत ही अलग तरीके से इस बार उन्होंने जो प्रोग्राम किया है। तमाम लोगों को लंगर और बच्चों को खाना खिला के उन्होंने अपने दिली अंदाज़ इज़हार किया और मैं बहुत तरीके से सभी का, तमाम हमारे फोरोड के जमातों का, हमारे मोहल्लों के जो ग्रुप्स हैं यंग कमिटीज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हर साल भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज यौम शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम जश्न के मौके पर हाँ फोटो यंग कमेटी की तरफ से कुछ प्रोग्राम रखा गया था, सब कामयाब होने की उम्मीद है। आज हर साल इसी तरह बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। मैं मुजम्मिल हकीम फोटो यंग कमेटी की तरफ से, हमें इस बार टीपू सुल्तान जयंती इस तरीके से मनाई कि म्यूज़िक डीजे वगैरह कुछ ये नहीं के कुरान की तिलावत के सूर्य फातिहा पढ़ के फातिहा दिला के बच्चों को खाने का इंतज़ाम करें, मिलजुल कर इसी तरह हर साल करेंगे इंशाल्लाह टीपू सुल्तान जयंती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पढ़ फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बड़ा खुशी और बड़ा फख्र हो रहा है कि जो है फोर्ट रोड की जमात और यंग कमेटी ने एक बेलगाम वालों को और बेलगाम वालों को नहीं बल्कि सारे दुनिया वालों को एक ऐसा सबक दिया है कि जो है टीपू सुल्तान जयंती किस तरह से मनाई जाए।
आज जो है मैं जमात वालों से भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, यंग कमेटी वालों से भी मिला, तो मुझे बताया गया है कि जो सुबह जो है कुरान की तिलावत की, कुरान खानी की गई, कुरान जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शान में बख्शा गया, और शाम को जो है फातिहा खानी करके उनके नाम से जो है खाने का निज़ाम बनाया गया। तो इस तरीके से जो है एक जो है सबक दिया है कि टीपू सुल्तान जयंती इस तरह से बनाया जाए। और मैं भी ये गुजारिश करूंगा कि सारे बेलगाम वालों से, सारे कर्नाटक वालों से और सारे भारत देश वालों से कि इसी तरह से जो है इंशाल्लाह आइंदा साल से जो है हम पूरी तरह से इसी तरह से जो है मनाने की कोशिश करेंगे। और जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अखलाक अगर सबके पास आएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के अंदर हमारी इमामत रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो है भाई टीपू सुल्तान जो है एक सच्चे और एक ईमानदार सिपहसालार थे, और जो है उन्होंने दुनिया के अंदर पहली मिसाइल बनाई है ऐसे शख्स हैं। तो अब उन्होंने जिस तरीके से हमारे को ज़िंदगी का गुजारने का जो तरीका बताया है उसी तरह से इंशाल्लाह हम गुजारेंगे, क्योंकि हम जो है अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और जो है हमारे जो है सरपरस्त, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वली जो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जैसे हैं। इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो है हम योम पैदाइश टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सुकून और इत्मीनान के साथ और अल्लाह की तिलावत करते हुए खाने का निज़ाम बनाते हुए करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज योम पैदाइश का दिन है, और हमारे जो यंग कमेटी वाले जो है सब हमारा सम्मान मुजम्मिल हकीम क्या ये नदीम बोजगर सब मिल के जो है एक तो पहले जो है हम मस्जिद में कुरान खानी की, और दूसरी बात जो है अभी लंगर आम किए क्या, ये सब बच्चों की हमारी आजमाइश है क्या, और उनके अल्लाह ताला बहुत हौसले बुलंद कर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हम ला ना चाहते हुए ना सोचते हुए ये काम हुआ है आज, इंशाल्लाह हर साल होएगा ये हज़रत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये कुरान शरीफ खानी जो भी है हम हर साल इंशाल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी हमारे देश के मुसलमानों को मेरा सलाम और योम टीपू की पैदाइश के मुबारकबाद देते हैं भाई। और बेलगाम में अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान संगत समिति की तरफ से एक मुआयना था, हर जगह जहाँ जहाँ भी टीपू की पैदाइश का प्रोग्राम हुआ वहाँ जाके हम लोगों ने मुआयना किया, वहाँ जाके प्रोग्राम किए, फातिहा खानी जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों में से फोर्ट रोड के ज़िम्मेदारों ने, यंग कमेटी वालों ने जो इंतज़ाम किया था, इनका जो तरीका सिस्टम था हमको बहुत पसंद आया। दीन के तरीके से इन्होंने आज योम पैदाइश का प्रोग्राम को निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। इनके नौजवान, इनके जमात वाले, इनके बुज़ुर्ग बच्चे सब जने मिल कर के एक नूर प्रोग्राम के अंदर एक बरकत वाला मामला हमको नज़र आया और बहुत खुशी हुई। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक वली सिफत शख्स थे, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, असली देशभक्त और शेर हिंद का उनको लकब है। ऐसे एक वली सिफत इंसान के बारे में इन्होंने जो प्रोग्राम किया वो तारीफ़ काबिल है। मैं फोर्ट रोड यंग कमेटी और फोर्ट रोड जमात वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम को निभाया और एक मॉडल हमारे सामने दिया है कि इस तरीके से निभाएंगे तो हमारे अखलाक पेश होंगे। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक को इन्होंने पेश किया है, और जो है असली देशभक्त, और इन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाया है। अक्सर कुछ लोगों ने जो काम ख़राब करने के लोग रहते हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू विरोधी बता करके बदनाम किया है हिस्ट्री के अंदर, लेसन्स के अंदर, और हिस्ट्री के साथ छेड़खानी की है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिन्होंने दशहरे के प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जिन्होंने एस सी एस टी के औरतों को पर्दे के लिए फ़ाइट किए। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लाइफ के बारे में जो है सब लोग को जानना ज़रूरी है, हिस्ट्री को चेंजेस करने का काम किए हैं। कुछ लोग भड़काने वाले लोग हैं भाई, इसके लिए हमें जो है कि नहीं हमारी टीपू सुल्तान संघर्ष समिति लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ के बारे में हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम के
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हमको साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी हमारे को साथ दो, इसके आगे जो है इंशाल्लाह हम ऐसा काम करते रहेंगे भाई। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व फज़लिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैक या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें आसमान से लेकर जमीन तक की मैंने इसमें बहुत बड़ा कौन छुपा हुआ है, ये मजहब जो है आपस में बैर नहीं सिखाता। तो हमारा मुल्क वतन जो है हिंदुस्तान, इसकी पहचानी ये जो है नहीं, पूरे आलम में ऐसा हिंदुस्तान कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की शेर से अच्छी जिंदगी एक दिन की काफी है, वो हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने बोले थे। क्या इतना उमला हमें इसके उनके बारे में नॉलेज बोलने की जरूरत नहीं, सबको तो इसके बारे में मालूम आता ही है। अभी हमारे वहाँ टीपू सुल्तान का एक आलिशान गेट बना लगे, तो हमारे तो व्यक्ति हमारे सबकी होंगे, हमारे भी बहुत दिन से नौजवान की भी ख्वाहिश आती है कि उनका एक स्टैचू बनाने के घर को। हमारे का तो जारी गली से ताल्लुक रखने वाले वहाँ वाले उनका यहाँ पे शुक्र खुश आमदीद करते हैं और इस्तकबाल करते हैं और उनको गुलखुशी से उनको स्वागत करते हैं, एक उनको गुलखुशी देखो।